जो कंप्लेनेंट है अध्यक्ष महोदय, उसमें एक आदिवासी युवक को आगे करता है और उसे 20 लोग पिटिशनर होते हैं, जो 19 के 19 लोग यूपी बिहार के लोग हैं अध्यक्ष महोदय, दूसरे दूसरे राज्यों के। पूरे सदन के साथियों से कहना चाहेंगे कि आज इस राज की भावना के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ के नौजवानों को कम से कम थर्ड फोर्थ ग्रेड में यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को उसको जगह मिले, और इसको लेकर राजभवन में राज्यपाल महोदय से हम लोग आग्रह करें कि जो हम लोगों ने नियोजन नीति स्थानीय नीति बनाई है उसको अविलंब केंद्र सरकार को भेजे और केंद्र सरकार में मोहर लगवाने का उनका भी प्रयास हो और हमारा इस सदन की तरफ से प्रयास हो। विपक्ष बात नहीं सुन रहे हैं, लेकिन आपको ज्ञात होगा कि कल कार्य मंत्रणा में एक विषय पर चर्चा हुई थी जहां माननीय विपक्ष के लोग भी वहां उपस्थित थे, और वो विषय था आज के दिन राज्यपाल महोदय के यहां जाना, और इसके लिए पत्रकार के द्वारा भी आग्रह किया गया है अध्यक्ष महोदय, और ये विषय था अध्यक्ष महोदय वर्तमान समय में जो उच्च न्यायालय के द्वारा जो नियोजन नीति रद्द की गई है उसके संदर्भ में राज्य को रोजगार कैसे उपलब्ध हो। माननीय सदस्य सुनिए तो, इसके लिए सुनिए तो, सरकार काफी गंभीर है अध्यक्ष महोदय, और अध्यक्ष महोदय मैं बता देना चाहता हूँ कि देश के अंदर राज गठन होने के बाद ये पहली बार नियोजन नीति रद्द नहीं हुई है। राज गठन होने के बाद ये तीसरी बार नियोजन नीति गलत रद्द हुई है अध्यक्ष महोदय। इससे पहले भी माननीय रघुवर दास जी के द्वारा बनाई गई नीति न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया। अभी अध्यक्ष महोदय विपक्ष के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि तत्कालीन सरकार के नियोजन नीति को हम लोगों ने रद्द किया, लेकिन ये बिल्कुल गलत है अध्यक्ष महोदय। हमने उनके इस विषय को रद्द नहीं किया है, और अध्यक्ष महोदय तीन तीन बार कार्यपालिका के द्वारा जो नीतियां बनी वो नीतियां बराबर उच्च न्यायालय के द्वारा खारिज हो रहा है, और अध्यक्ष महोदय बड़ा दुर्भाग्य की बात है उस उच्च न्यायालय में जो याचिका जो कंप्लेनेंट है अध्यक्ष महोदय, उसमें एक आदिवासी युवक को आगे करता है और उसे 20 लोग पिटिशनर होते हैं, जो 19 के 19 लोग यूपी बिहार के लोग हैं अध्यक्ष महोदय, दूसरे दूसरे राज्यों के। बड़ा दुर्भाग्य की अध्यक्ष महोदय कि झारखंड प्रदेश के नियोजन नीति का तकलीफ दूसरे राज्य के लोगों को है, इस राज्य के लोगों को नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है अध्यक्ष महोदय, और इसी के लिए राज्य में नियोजन नीति को और प्रोटेक्शन देने के लिए सरकार की ये मंशा है, और इसीलिए हम लोगों ने थर्ड फोर्थ ग्रेड में स्थानीय लोगों को नियोजित करने के लिए जो 1932 का जो खतियान आधार बनाया है इसको 9th शेड्यूल में डालकर और मजबूती कवच देखने का हम लोग की मंशा है अध्यक्ष महोदय, और इसको लेकर हम आज पूरे सदन के साथियों से कहना चाहेंगे कि आज इस राज की भावना के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ के नौजवानों को कम से कम थर्ड फोर्थ ग्रेड में यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को उसको जगह मिले, और इसको लेकर राजभवन में राज्यपाल महोदय से हम लोग आग्रह करें कि जो हम लोगों ने नियोजन नीति स्थानीय नीति बनाई है उसको अविलंब केंद्र सरकार को भेजे और केंद्र सरकार में मोहर लगवाने का उनका भी प्रयास हो और हमारा इस सदन की तरफ से प्रयास हो। इसके लिए कल हमने आग्रह किया था कि आज पूरा सदन और इनका भी
सहमति था अध्यक्ष महोदय, लेकिन रात भर में क्या इनके बीच में खिचड़ी पका ही हम नहीं कह सकते अध्यक्ष महोदय। और इसलिए पुनः हम आग्रह करना चाहेंगे, चूंकि आप लोगों ने 1932 का समर्थन किया है, ओबीसी का समर्थन किया है, इसको लेकर हमें पुनः सब मिल करके राजभवन में जा करके इन चीजों पर मुहर लगाना चाहिए और इस राज के वजूद को बचाने का काम करना चाहिए अध्यक्ष महोदय। और मैं विपक्ष के साथियों से आग्रह करूंगा कि आज 3 बजे का समय, 3:30 बजे ना, 3:30 बजे का समय हमें राज्यपाल महोदय ने दिया है, उस पर आप सभी साथियों का भी स्वागत है, आप लोग भी साथ चले तो और राज्य के नीतियों और यहाँ के नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने में हम कड़ी भूमिका निभा सकते हैं। धन्यवाद। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11 एंड 12 के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम हीनू एवं नगरा टोली रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलियेटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in like share and subscribe www